देखो अभी इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि पी वन एंड पी टू आर ट्रांसपेरेंट लिप्स हैविंग इक्वल थिकनेस, तो थिकनेस दिया है दोनों का बराबर है, हाँ कितना है थिकनेस, तो थिकनेस दिया है 20 माइक्रोमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है पहले वाले का 1.6, दूसरे वाले का 1.5 और बोला है P1 जो है इट विल ट्रांसमिट ओनली 75% ऑफ द एनर्जी एंड P2 विल ट्रांसमिट 50%। तो एक्चुअली दोनों जो स्लिट है दोनों पे जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है वो आई है, लेकिन ये कितना अलाउ करेगा, ये सिर्फ 0.75 आई अलाउ करेगा और ये सिर्फ 0.5 आई अलाउ करेगा। सही में तो पहला जो इंटेंसिटी है I1 इज ओनली 0.75 I एंड I2 इज 0.5 I। समझ में आपको जो मतलब ट्रांसमिट करें। अब बोला गया कि विदाउट यूजिंग P1 एंड P2 द इंटेंसिटी एट O इज 4 I, तो इफ वी डोंट यूज P1 P2 द इंटेंसिटी एट O इज हाउ मच, 4 times I। तो पूछ रहा है फाइंड इंटेंसिटी एट O आफ्टर प्लेसिंग P1 एंड P2, तो P1 और P2 कनेक्ट करने के बाद कितना इंटेंसिटी होगा। तो आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालना है तो उसके लिए आपको फेज डिफरेंस चाहिए, क्या चाहिए, और फेज डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस चाहिए। समझ में आया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे कहाँ से, तो ये H2O और H1O राइट। तो पहले H2O देखो आप, H2O माइनस थिकनेस, ये थिकनेस जो है इसका, सर थिकनेस कुछ टी है, इसका भी टी है, तो H2O माइनस इस थिकनेस, ये किस मीडियम में, किस मीडियम में, एयर मीडियम, और वो जो थिकनेस टी है उसका म्यू कितना है, 1.5, तो वो आपका मीडियम वन जो भी है मीडियम Right? तो ये आपका, this is the story about H2O. H2O. H2O minus this T is in air and T is in medium. Now you subtract H1O. So this total part minus this total part is the part difference. Is the part difference. So then you subtract H1O minus T in air प्लस अगेन टी इन मीडियम, दिस इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस। ओके नाउ यू सी, कोई डाउट इज इसमें, नाउ यू सी दिस H2O एयर एंड H1O एयर दिस आर इक्वल, दे विल बी कैंसिल्ड आउट, सो H2O माइनस H1O एयर मीडियम वो कैंसिल होगा, तो बराबर है, ये टी एयर रहने दो इसको माइनस टी, और ये हो जाएगा म्यू टू टाइम्स टी, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है, इसका ऑप्टिकल लेंथ क्या होगा, म्यू टू टी, फिर इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टी, और ये माइनस म्यू वन टी हो जाएगा, क्योंकि ये टी इसमें फर्स्ट मीडियम में, तो इसका ऑप्टिकल पार्ट क्या होगा, म्यू वन टी होगा, तो ये म्यू वन टी हो गया, तो इसमें ये कैंसिल हो गया, ये टी और टी कैंसिल हो गए, तो कुल मिला के जो पार्ट डिफरेंस आया वो सिर्फ कितना आया, म्यू टू माइनस म्यू वन टी, म्यू टू माइनस म्यू वन टी, अभी म्यू टू कितना है 1.5 और ये कितना है 1.6, तो बेसिकली 1.5 माइनस 1.6 और थिकनेस कितना है उसका 20 माइक्रोमीटर, 20 × 10⁻⁶, तो ये हो गया 0.1 और ये हो गया 20 × 10⁻⁶, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁶, इसका मॉड ले लो, जो पार्ट डिफरेंस है उसका क्या लगाओ, मॉड, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, तो ये आया 2 × 10⁻⁶, ये आया पार्ट डिफरेंस, क्लियर है, ठीक है। अब क्या पूछा है आपको, पार्ट डिफरेंस मिल गया, अब आप फेज डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ × पार्ट डिफरेंस, तो वो हो जाएगा 2π λ दिया है 4 काउंटर एंगस्ट्रॉम,
तो 4000 इनटू 10 रेस टू माइनस 10 इनटू 2 इनटू 10 रेस टू माइनस 6. तो अभी ये 1, 2, 3 ये होगा 10 रेस टू माइनस 7 और ये कैंसिल होगा, एक 10 ऊपर जाएगा तो इनटू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40π/4 यानी 10π रेडियन. तो फेज डिफरेंस कितना आया? 10π रेडियन आया. एक बार फेज डिफरेंस आ गया तो आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो. कैसे? इंटेंसिटी होगा I = I1 + I2 2 √I1 I2 cos of delta 1. I1 कितना है? 0.75 I. तो 0.75 I + 0.5 I + 2 √ फिर ये 0.75 मतलब क्या? 3/4 ना, लिखा उसको 3/4 I × 0.5 I मतलब I/2 ऐसा लिखते हो. और फिर cos of 10 pi. ये समझ में आप लोगों को? तो ये देगा आप लोगों को इंटेंसिटी. यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये हो गया आपका 3/4 प्लस, तो ये हो गया बेसिकली 5/4 है. 5/4 है, इसमें से 2i कॉमन हो जाएगा और ये 3i राइट 3i/8 और cos 10 pi कितना होता है? ये होगा 2 √2 कैंसिल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5/4 I + I × √3/2. ये आंसर, ये आया रिजल्टेड इंटेंसिटी. समझ में आया सबको?